हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब मस्त मज़े में होंगे और सब बिंदास होंगे। तो भाई, मैं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हल्क अल्टीमेट राइडर। तो जैसे देख रहे हैं कि लास्ट वीडियो में जो अपडेट किया था, वो मैं ड्यूटी पे जा रहा था रांची इंटरसिटी लेके हावड़ा। तो कल रात में टाइमिंग जो है शाम में यहाँ पे 4:40 पे है, लेकिन मेरी गाड़ी लेट हो गई। कल इंटरसिटी लेट हो गई, कुछ प्रॉब्लम आ गया था। अभी तक के जो अपना ALP का जो जॉब हुआ ना यार, जॉब में प्रॉब्लम तो फेस किया था, लेकिन कल बड़ा ही मतलब टेंशन ज़्यादा हो गया था। एक्चुअली कोचिंग में जाके मेरा पहला ये कल का प्रॉब्लम था, और कल मेरी गाड़ी लेट हो गई थी। गाड़ी लेट हुई अप्रोक्स टू आवर्स, मतलब 2 घंटे। तो हुआ यूँ कि हम लोगों ने पावर से सेट से पावर चार्ज लिया था। उसके बाद मतलब कि कुछ प्रॉब्लम उस समय टेक्निकल कुछ फॉल्ट नहीं था, लेकिन हमारा गाड़ी रेडी हो चुका था, डिपार्चर होने का टाइम हो चुका था, 12:50 में छोड़ने का था। उसी वक्त कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, ट्रबल आ गया था। तो एज पर जैसे हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग में बताया जाता है कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। TSD ट्रबल शूटिंग कर रहे थे हम लोग अपने तरफ से। फिर हमारे जो ऊपर हैं यानी TLC है, कभी मैं बताऊंगा उसके बारे में क्या क्या होता है। जो भाई लोग न्यू ज्वाइन करने वाले हैं या जो ज्वाइन कर चुके हैं, तो उन लोगों को थोड़ा हेल्प होगा कि क्या क्या होता है। तो कल हुआ क्यों कि कुछ लोगों में फॉल्ट हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिस वजह से पावर को TR किया गया। TR मतलब वो पावर अब जाएगा नहीं काम करेगा नहीं। फिर दूसरी डीजल इंजन ले जाके एक स्टेशन आगे लेके गया, वहाँ फिर दोनों पावर को काट के दूसरा पावर लगाया गया, और फिर हमारा गाड़ी आया। इस बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम हुए भाई। कल मैं देखा, मैं खुद पर्सनली कल ऐसा फील कर रहा था यार कहाँ फंस गया, ऐसा लग रहा था थोड़ी देर के लिए। फिर थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए मैं थोड़ा सोचा भाई काम डाउन, नौकरी है, कहीं भी जाओगे प्रॉब्लम तो आएगा। जब प्रॉब्लम की आराम तो सब जगह है, आराम जब है तो आप काम कर रहे हो, लेकिन जब प्रॉब्लम आ गया, अगर आप नर्वस आ गए, तो फिर आप किस बात के लिए उस पोस्ट में बैठे हो? मेरी बात को समझिए कि जब प्रॉब्लम, जैसे सेना में लोग हैं, आर्मी वाले हैं, BSF है, पुलिस वाले लोग, ऐसे डेली तो फाइट नहीं होता ना यार, डेली तो कहीं दंगा कहीं कुछ होता नहीं है, आपको आराम नहीं रहता है। लेकिन जिस दिन होता है, उस दिन अगर कायर की तरह भाग गए, उस दिन नर्वसा गए, तो फिर किस बात के लिए आपको सरकार पैसा दे रही, किस बात के लिए आपको रखी है? ठीक है, जो बोलता था ना कंधा मजबूत है तभी तो ये नौकरी मिला, वही अला कल। तो कुछ देर के लिए थोड़ा सा मैं नर्वस आया, फिर अपने आप को खुद से मोटिवेट किया कि भाई नहीं, ये तेरा पहचान नहीं है, तुझे इस जगह पर इसलिए रखा गया है कि तू सिचुएशन में हैंडल करे और इसके आगे ले जा सके। तो कल वही अपने आप को खुद से मोटिवेट किया, फिर हुआ हमारा गाड़ी पहुँचा आराम से। फिर कुछ लिखा पड़ी होता है, बहुत सारे ऑफिसर लोग आ गए थे। अभी देखिए क्या होता है, हमारा तो स्टेटमेंट ले लिया गया है, लेकिन होता क्या है, पनिशमेंट वगैरह होना तो नहीं चाहिए, हमारा ऐसा कुछ फॉल्ट नहीं था, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए, इससे वीडियो को ज़्यादा खींचने से पहले मतलब कि लंबा हो जाएगा, अपने बारे में बताऊँगा तो फिर बताऊँगा फिर दूसरे वीडियो में। अभी जिस बारे में आज बात करना चाहता हूँ वो बताता हूँ। उस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले भाई बोलेंगे कि आप लोग जो भी नए हो, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो। और सारे भाई जितने लोग सब्सक्राइबर हैं, लव यू भाई, आपको प्यार देने के लिए ताकि बहुत ही खुशी महसूस होता है। आप लोग जो प्यार दे रहे हो बहुत अच्छा लगता है, कमेंट कर रहे हो अच्छा लगता है। जिन भाई को कमेंट नहीं का जवाब नहीं दे पाया हूँ, मैं दे दूँगा अभी, तो फ्री हूँ तो करूँगा इस वीडियो को अपलोड करने के बाद। और आप लोग सवाल जवाब कीजिए, तभी मज़ा आएगा, आप मुझे भी मतलब क्या हो मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ वीडियो मैं सही बना रहा हूँ, आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूँ मिल रहा है। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे किसी ने पूछा था कि हमारा जो ये इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिकल ये जो है ये कैसे चूज होता है कि हम मैं इलेक्ट्रिशियन में लोगों में हूँ, ALP हूँ या मैकेनिकल में। तो भाई होता क्या है ना, आप जब मेडिकल होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, तो ट्रेनिंग का जो पीरियड रहता है, आप देखोगे आपके पास जो जॉइनिंग लेटर आया होगा या आएगी, या जिन भाई लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास आया होगा,
तो देखेंगे उसमें 151 डेज का ट्रेनिंग पीरियड रहता है, वर्किंग डे, ठीक है। इसमें आपका जो भी हॉलीडे वगैरह है, आपका वीक ऑफ है, ये सब कुछ छाट कर वो 151 डेज का होता है जो ट्रेनिंग पीरियड। तो उसमें दो तरह का ट्रेनिंग होता है, ड्यूअल होता है, सिंगल होता है, ठीक है। ये दोनों मिला के ऐसे अगर सिर्फ सिंगल देखा जाए तो वो 103 यानी 103 दिन का, ठीक है। यानी 103 दिन जो है वो आपका इलेक्ट्रिशियन वाला है, और 48 डेज जो है 38 प्लस 10 ऐसा है कुछ, मुझे भी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं टोटल में पीरियड बता रहा हूँ वो 151 डेज का है ये। तो इसमें डबल आपको इलेक्ट्रिक भी किया कराया जाएगा और डीजल भी कभी ट्रेनिंग कराया जाएगा। 2 महीने का होता है लगभग आपका डीजल का, और ऑलमोस्ट 103 दिन कितना होगा, 4 महीने के आसपास, हाँ 4 महीने के आसपास वो आपका इलेक्ट्रिशियन का होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाला। तो ये आपको ट्रेनिंग कराने के बाद ये आपका ट्रेनिंग कराया जाएगा। ऊपर से डिपेंड ये भी करता है ना आपके जोन में कैसा गाड़ी चलता है। जैसे किसी जैसे सेक्शन में, जैसे हमारे यहाँ तो जितना मैं देख रहा हूँ सब मेरे यहाँ SCKP डिवीज़न में जो हूँ टाटा में, पहले तो खड़गपुर में था तो इलेक्ट्रिक ही गाड़ी चलती थी। सेंटिंग वगैरह के लिए कुछ कुछ जगह कुछ कुछ है डीजल चलता है, एक दो चार, बाकी दिन भर में अगर 100 गाड़ी है 100 गाड़ी में 2 या 3 ही डीजल गाड़ी होता था। तो तभी करवाते हैं, करवा के रखते हैं डीजल गाड़ी का ट्रेनिंग, करवा के रखते हैं और काम कराते हैं। नहीं भी कराते तो भी डीजल का ट्रेनिंग करा के रखते हैं। अजीम भाई लोग को डीजल का ट्रेनिंग नहीं करवा रहे हैं तो करवा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इसको क्या ट्रांसफर में सब मदद करता है, ठीक है, इसका भी कुछ प्रोसेस है। तो आपको उसमें जो मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिशियन में हूँ या मैकेनिकल में हूँ डीजल में, ये कैसे पता चलेगा, तो आपको आपको ट्रेनिंग दोनों कराया जाएगा। आप जब आपको इनिशियल पोस्टिंग दे दिया गया है, ठीक है, उसके बाद आपके जो ऑफिस से, आपके डिवीज़न, आपके लॉबी से जो आपको काम कराया जा रहा है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही है तो आपको इलेक्ट्रिक में चढ़ाएंगे, डीजल चल रही है तो डीजल में चढ़ाएंगे, और दोनों चल रही है तो दोनों में चढ़ाएंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक में जाएंगे। पहले ऐसा होता था कि इलेक्ट्रिक वाले को इलेक्ट्रिक में चलाते थे, डीजल वाले को डीजल में चलाते थे। अब क्या है ना भाई, मिक्स कर दिया, दोनों को चलाते हैं, रखते हैं कि हाँ इसको डीजल में, इसको इलेक्ट्रिक में, ऐसा करके अब मिक्स, पहले जैसा नहीं रहा कंडीशन। तो उसमें क्या है कि किसी भाई का ड्यू हो जाता है कि 2 महीना 3 महीना 6 महीना ऐसा कुछ ड्यू पीरियड है, मुझे याद, मेरा ड्यू हो गया है इसीलिए तो याद नहीं है यार, तो शायद 6 महीना या साल ऐसा कुछ होता है उसका पीरियड, देखूंगा तो बता दूंगा। तो वो अगर ड्यू हो गया, आप देखोगे तब तो सब ऑनलाइन रहता है, अगर दिखाएगा ड्यू हो गया, चाहे आपका जो लॉग बुक करेगा, मैं एक दिन लॉग बुक अपना बनाऊंगा अपना वीडियो, तो लॉग बुक पर दिखा रहेगा कि हाँ ये इतना तारीख को ट्रेनिंग हुआ था, ये इतना तारीख को ड्यू हो गया। अगर वो ड्यू हो जाता है उसके बाद आप सिर्फ, या अगर डीजल का ड्यू हो गया तो सिर्फ इलेक्ट्रिक काम करेंगे, इलेक्ट्रिक का ड्यू हो गया तो डीजल में काम करेंगे। अगर ड्यू होने के पहले फिर से आपको ट्रेनिंग दे देता है तो फिर से आप नॉर्मल जैसे काम कराएंगे वैसे कराएंगे। तो ऐसा नहीं है, बांट सकते हैं, आपको ट्रेनिंग दोनों दिया गया यानी दोनों में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं, मुझे दोनों ट्रेनिंग दिया था, मैं दोनों काम करता, डीजल में भी काम करता था, इलेक्ट्रिक में भी काम करता था। और अभी जब से टाटा में आ गया हूँ, मुझे डीजल का काम दिया नहीं, 5 साल हो गया है टाटा में, 1 साल मैं खड़गपुर में था, 5 साल टाटा में, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक काम कर रहा हूँ और बस यही है, डीजल और इलेक्ट्रिक वाला या कुछ है नहीं। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है।